रांची के रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए मांडू वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र से जो शव रिम्स पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया, उसे देखकर लगता है कि मांडू वेस्ट बोकारो पुलिस की मानवता मर चुकी है। दो दिन पुराने शव को पुलिस ने रांची के रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। शव भेजने के लिए टेकर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शव को रस्सी से बांधकर लाया गया है। शव को रांची लाने के लिए वेस्ट बोकारो मांडू से रांची तक गाड़ी के छत पर बॉडी को रखकर लाया गया है। गाड़ी की छत पर रस्सी से बांधकर शव को रांची के पोस्टमार्टम रूम में लाया गया। बॉडी को अचानक गाड़ी के छत पर रखा देख सभी चौंक गए। सीसीएल गांधीनगर कॉलोनी में बगल के स्थानीय ग्रामीणों ने कॉलोनी के मेन गेट को बंद कर रास्ते की कर रहे हैं मांग। ग्रामीणों का कहना है कि वह लोग कई वर्षों से रास्ते की मांग कर रहे थे, लेकिन रास्ता ना देने के एवज में सिर्फ सीसीएल प्रबंधक ने आश्वासन दिया। जब ग्रामीणों ने खुद से अपना रास्ता बनाया, तब सीसीएल प्रबंधक ने गोंदा थाना में मामला दर्ज करवा दिया। इसको लेकर ग्रामीण काफी नाराज है। दिया है आम जनों को, उसी तरह से गाँव का भी एक मामला है जिसका रास्ता हम लोग लेकर के ही रहेंगे, और जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा हम लोग इस धरना से उठेंगे नहीं। अखिलेश राय, महानगर अध्यक्ष, युवा जदयू, जनता दल यूनाइटेड। आज बीसीसीएल के सीसीडब्ल्यू स्थित सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रूम में अचानक सांप निकल आया। सांप निकलते ही वहां उपस्थित कर्मचारी काफी डर गए और स्नेक कैचर बापीदा को बुलाया। काफी जद्दोजहद के बाद दो सांप पकड़े गए, जिसमें एक धामिन और एक करैत सांप था। वही स्नेक कैचर बापीदा ने बताया कि यहां और भी जहरीले सांप मिल सकते हैं। वही आपको बताते चलिए कि बीसीसीएल के यह सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रूम में काफी महत्वपूर्ण कागजात रखे जाते हैं, वहां साफ सफाई न होना काफी चिंता का विषय है। बीसीसीएल प्रबंधक को चाहिए कि कम से कम अपने कार्यालयों की साफ सफाई कराए, ताकि जनता में एक अच्छा संदेश पहुंचे। डब्ल्यू बंगलोर नंबर 1 सेंट्रलाइज रिकॉर्ड यहां रहता है, और इस बंगलो से हम लोग को सूचना दिए गए थे भाई साहब कि यहां पर बहुत सारा सांप देखा जा रहा। आज कोई स्टाफ जो कल वो यहां कर्मचारी आए थे कुछ फाइल निकालने के, लेकिन उनको सांप से बचे बहुत मुश्किल से, पैर पड़ते पड़ते बचे। एक्चुअली इसका सराउंडेड एरिया बहुत ज़रा गंदगी है और कभी साफ़ सुथरा होता नहीं है, और यहाँ सांप का बेसरा बना लिया सांप। यहाँ बहुत सारा सांप अभी भी है, और ये जब तक बढ़िया से साफ़ सुथरा नहीं होगा, बढ़िया से रेस्क्यू नहीं होगा सांप, तो अभी हम लोग 2-3 को पकड़े हैं, लेकिन यहाँ और बहुत सारा सांप निकलेगा। कौन किस किस प्रजाति का सांप? इसमें एक धामिन निकला, एक करैत निकला, मरा हुआ करैत निकला है, और ये कोबरा होने का भी यहाँ संभावना है, लेकिन ये पूरा जब तक बढ़िया से नीट एंड क्लियर ना हो और तो रेस्क्यू बढ़िया से नहीं हो, कम से कम दिन भर रेस्क्यू लग जाएगा यहाँ, तब जाके बहुत सारा सांप निकल सकता है। और हम उस साइड में 2 पुराना जो है कॉटेज है टाइप का लगा हुआ, उसमें जो गंदगी हमको लग रहा है वहाँ सांप अंडा भी दिया हुआ, लेकिन उसको लिए समय चाहिए और बड़ा रेस्क्यू चाहिए। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हाँ, बापीदा स्नेक रेस्क्यू, स्नेक एक्सपर्ट, स्नेक रेस्क्यू टीम हमारा पूरे धनबाद जिले में नहीं पूरे भारतवर्ष में है, हर जगह टीम कार्यरत है। We'll be right back.